देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। रेलवे सुपरवाइजर से हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा, तीन आरोपी हुए गिरफ्तार। एसपी राजेश सिंह चंदेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। रेलवे सुपरवाइजर के साथ हुई लूट की घटना का कोतवाली पुलिस ने आज खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद इनके पास से लूटी हुई राशि और घटना में उपयोग किए गए हथियार भी बरामद कर लिए। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को न्याय में पेश किया, जहां से इन्हें जेल भेज दिया गया है। 18 अगस्त के दिन फरियादी ने थाना कोतवाली आकर सूचना दी थी कि वह रेलवे में सुपरवाइजर है और रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर उसकी ड्यूटी है। मैं अपनी ड्यूटी समाप्त कर लगभग 4 बजे रिजर्वेशन काउंटर बंद कर कार्यालय का ताला लगा रहा था। उसी समय तीन अज्ञात लोगों ने मेरे सिर पर कट्टा लगाकर मेरे पास रखे 23,000 लूट लिए एवं मुझे धक्का देकर भाग गए। उक्त सूचना पर से थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 476/21 कायम कर विवेचना में लिया गया। उक्त मामले को गंभीरता से लेकर पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल द्वारा घटना का पर्दाफाश करने एवं आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए, जिस पर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण भूरिया एवं SDOP अजय भार्गव के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई। उक्त टीम द्वारा मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया एवं आरोपियों की पड़ताल की गई। आज थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक बादाम सिंह यादव को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मटका पार्क में तीन व्यक्ति कुछ पैसों का बंटवारा कर रहे हैं और वह संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं, जिस पर से थाना प्रभारी कोतवाली बादाम सिंह यादव ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया, जिस पर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं SDOP शिवपुरी के मार्गदर्शन में टीम को मटका पार को भेजा। वहां पहुंचकर टीम ने देखा कि तीन लोग पैसों का बंटवारा कर रहे थे। उनसे पूछताछ करने पर संदिग्ध प्रतीत हुए, जिस पर थाने लाकर हिकमत अमली से पूछताछ की गई तो तीनों आरोपियों ने रेलवे सुपरवाइजर के साथ हुई लूट की घटना को करना स्वीकार किया। उक्त आरोपियों से लूट के पैसों में से 10,000 बोर का कट्टा एवं फटा हुआ वाउचर एवं टिकट जिसकी कीमत करीब 2,670 रुपए है बरामद किए गए। बेसिकली ये हमारे थाना कोतवाली क्षेत्र में एक रेलवे के सुपरवाइजर हैं, वो अपना पैसा रेलवे का कलेक्शन कर लेके कुछ वाउचर लेके निकले थे, तो उनके साथ मारपीट करके उनसे पैसे और 23,905 रुपये और ये वाउचर वगैरह छीन लिए थे। तीन बदमाश थे जिन्होंने उनके साथ मारपीट की थी और इकट्ठा उड़ाया था। इस पर से जब प्रकरण का जानकारी मिली तो हमने प्रकरण कायम करके हमारे जो SDOP शिवपुरी हैं अजय भार्गव उनके और TI बादाम सिंह यादव को एक टीम में अलग अलग लगा के क्षेत्र में पतरासी करने के लिए कहा गया था। इसमें सभी तरह के लोगों से बात कर रहे थे और उसमें एक संदिग्ध व्यक्ति कहीं इस तरह की बात आई थी, इसका मूवमेंट इस क्षेत्र में है जिसके पुराना रिकॉर्ड है, उस पर एक सूचना मिली कि ये वो व्यक्ति और दो लोग और आपस में पैसे वगैरह की बातचीत कर रहे हैं। तो इस पर पुलिस ने दबिश दी, इन तीनों आरोपियों को पकड़ लिया पुलिस ने। इनके पास से 10,000 रुपये मिले हैं। घटना में प्रयुक्त जो कट्टा है मतलब हथियार जो है वो भी बरामद कर लिया है और इसके अलावा जो वाउचर गए हुए थे जो रेलवे के ओरिजिनल वाउचर थे वो भी उनसे जब्त किए गए। सर इनका कोई पिछला रिकॉर्ड भी पुराना? हाँ, इनमें से एक पुराना क्रिमिनल है ये। हाँ, और उसका काफ़ी पुराना रिकॉर्ड है और जब उसका मूवमेंट की बात आई थी तो वहीं से पॉइंट चालू हुआ था और हुलिया के आधार पे भी बात हुई थी और फिर जब उनकी ये सूचना मिली कि तीन लोग साथ में हैं तो एक अच्छा काम इनकी टीम ने किया है, जिसमें इनके सिपाही और इन लोगों ने मिलकर एक अच्छी टीम भावना से लग के किया, क्योंकि वहाँ आसपास कोई और तरह के फुटेज वगैरह भी उपलब्ध नहीं थे और एकदम सुनसान होने की वजह से कोई और विटनेसेस नहीं मिल रहा था। तो सर, एक तो इसमें जैसे एक पुराना क्रिमिनल है, शेष तीन लोग जो थे तो किस कारण से उन्होंने लूट की थी, कोई मोटिव रहा? बेसिकली उसमें ये बात आई कि इनमें तीन में से एक व्यक्ति को कुछ पैसों की ज़रूरत थी, उस पर बात चली उनकी कि पैसे कैसे करेंगे, तो ये व्यक्ति का ऑलमोस्ट एक टाइम फिक्स था इस टाइम पर वो पैसे लेके निकलता है और उन्होंने देखा कि उस दिन साथ में उसके कोई नहीं था तो उन्होंने इसको आसानी से टारगेट बनाया, पैदल ही आए थे वो और उसको निगाह रख रहे थे कई दिनों से, तो उसको टारगेट करके उस दिन उन्होंने लूट लिया। पैसा बताया किस कारण से उसकी जरूरत पड़ी, पैसे का कारण बताया कोई, किस कारण से? पैसे का अभी और चीज़ें पता कर रहे हैं, कारण तो अलग अलग बता रहे हैं। कोई कहता घर में परेशानी थी इसकी वजह से हमको पैसे की ज़रूरत थी, वैसे हमने से जो एक पुराना बदमाश है उससे ये लगता है कि वो तो अब नियत इनकी बदमाशी करने की ही थी और उसका अपना हिसाब से अपने खर्चे पानी करते ही, क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहते ये लूट करते। ठीक है।